नाज़रीन इंतहाई अहम खबर आपको दे रहा हूँ पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए। फजाई हमलों के बाद इसराइल ने लबनान पर जमीनी हमला शुरू कर दिया है और लाखों लोगों को बेघर करने के बाद और गजा की तकरीबन 20% जमीन मजीद छीन लेने के बाद अब इसराइल लबनान पहुंचा है। इसी एक दुनिया के बड़े क्राइसिस के बीच हमें एक और डेवलपमेंट नजर आती है और वो ये होती है के जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है नेतन्याहू के साथ। सो इट मींस के भारत के अंदर एक हुकूमत जो है वो एक टेसेट सपोर्ट कर रही है या कंप्लीट सपोर्ट कर रही है इसराइल को। इंडिया कह रहा है कि जो इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स को टारगेट कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए वो तो इसको सही समझते हैं ना, इसकी वजह ये है कि वो ये कहते हैं हाँ, सिर्फ ये क्या दुनिया में जहाँ कहीं भी दहशतगर्दी हो रही है उन सबके साथ ऐसा होना चाहिए। असल इशू ये है कि इसराइल कैसे ये करता जा रहा है और उसको रोकने वाला कोई नहीं है। और इसमें मैं ये भी कहूंगी कि अरब दुनिया से भी हमें बहुत मायूसी है। यहाँ पे मसला जवाब का नहीं है, यहाँ पे ये खामोशी इस बात की भी अकासी कर रही है कि मुस्लिम उम्मा के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो वेस्ट के पास है, जो इसराइल के पास है, जिस तरह की हिमायत अमेरिका की इसराइल को हासिल है। जो नसरुल्लाह साहब है वो चले गए हैं, वो शहीद हो गए हैं। जितना देर तक ये जंग चलता है उतना नुकसान होगा। लगता है कि नेतन्याहू अपनी जाती सर्वाइवल के लिए कोई ऐसा काम कर सकता है और वो हाथ से निकल गया है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का APN चैनल पे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बड़ी बौखलाहट छाई हुई है और वह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से बात की। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय इसराइल और फिलिस्तीन के झगड़े के बीच पहले हमास ने, फिर हिजबुल्ला ने और ईरान ने, तीनों ने बड़ी बड़के मारी थी कि हम इसराइल को नेस्ता नाबूद कर देंगे, इसराइल पर अटैक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन एक एक करके इसराइल ने पहले तो हमास को, फिर हिजबुल्ला को उसकी औकात दिखाई, जिसमें जो कि ये दोनों दहशतगर्द तंजीमें हैं उसके लीडर को मार गिराया इसराइल ने। और इसी बीच अब जो खबर निकल के आई है कि मोदी जी ने नेतन्याहू से बात की और बाकायदा उसके ट्वीट भी किया मोदी जी ने कि उन्होंने क्या बात की, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफ़ी बौखलाहट है और वह कह रही है कि भारतीय सरकार तो नेतन्याहू को शाबाशी दे रही है, नेतन्याहू ने दहशतगर्दों को उसके औकात दिखाई है। और यही पाकिस्तानी मीडिया का सबसे बड़ा दर्द है, क्योंकि आप जानते हैं जिस तरह से जो पाकिस्तानी सोच है और पाकिस्तानी आइडियोलॉजी है वो हमेशा इन दहशतगर्दों को ही सपोर्ट करती है और उसके लिए प्रोपेगेंडा भी करती है, और ऐसे में उनका मार जाना पाकिस्तानियों के लिए किसी बड़े दुख दर्द से कम नहीं है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। अच्छा, अब इसराइल के इन्वेजन की एक बड़ी खबर है ये दुनिया में इस वक्त, क्योंकि इसके ऊपर कंट्रीज का अपना अपना स्टैंड है। एनीवेज, इसी एक दुनिया के बड़े क्राइसिस के बीच हमें एक और डेवलपमेंट नजर आती है और वो ये होती है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है नेतन्याहू के साथ। इसमें अब दो तीन बातें हैं। देखिए पहले तो मैं आपको ये बताई देती हूँ ना कि जो मोदी साहब ने ट्वीट की, उन्होंने जो कहा, उनका कहना था स्पोक टू प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अबाउट रीसेंट डेवलपमेंट्स, टेररिज्म हैज नो प्लेस इन आवर वर्ल्ड। पहला तो उनका ये पॉइंट, उन्होंने दहशतगर्दी पर अपना वही एक पॉइंट फिर रीइन्फोर्स किया। इससे ये पता चलता है कि इंडिया ये कह रहा है इसराइल को कि जो हिजबुल्ला को तुमने वहां पर टारगेट करके उसको मारा है, तुमने उनके खिलाफ ये किया है, तो दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं है, तो ये दहशतगर्दों को खत्म किया जा रहा है। देखिए वो तो इसको सही समझते हैं ना, इसकी वजह ये है कि वो ये कहते हैं हाँ, सिर्फ ये क्या दुनिया में जहां कहीं भी दहशतगर्दी हो रही है उन सबके साथ ऐसा होना चाहिए। अच्छा, फिर आगे वो कहते हैं कि इट इज क्रूशल टू प्रिवेंट रीजनल एस्केलेशन एंड एंश्योर द सेफ रिलीज ऑफ ऑल होस्टेजेस। इंडिया इज कमिटेड टू सपोर्टिंग एफर्ट्स फॉर एन अर्ली रेस्टोरेशन ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। वैसे मैसेज तो ये मोदी साहब का बहुत से लोगों के लिए हो सकता है और बहुत से कंट्रीज के लिए भी, क्योंकि देखें जो भारत है उसके जैसे डॉक्टर जयशंकर, और वो अभी आपको पता ही है क्या एपिसोड पूरा एक सागा चला है, बल्कि चल ही रहा है। तो देखिए ये जो मोदी साहब ने बात की है ना नेतन्याहू से, वैसे तो देखिए हिजबुल्ला की कमर टूट गई है, ईरान की कमर पहले ही टूटी हुई है, तो वो तो वही हो जाएगा वो जो पाकिस्तान में कहा जाता है कि कमर तोड़ दी है, तो कमर टूटी वाले तो जंग नहीं कर सकते ना, जंग नहीं लड़ सकते। जो हमास है उसको पहले ही कमर तोड़ दी गई है, हिजबुल्ला को अब उन्होंने खत्म कर दिया है, और साथ में जो ईरान है वो दूर बैठ के देख रहा है क्या करे।
खुमैनी जो है वो तो अपनी फिक्र पड़ गई, वो कह रहे हैं वो तो जगह ढूंढते फिर रहे हैं कि कहां पर छुपा जाए। जो मिस्टर नेतन्याहू है उन्होंने तो पहले कह दिया कि कोई ऐसी जगह नहीं है ईरान में जहां हम ना पहुंच पाए, उन्होंने धमकी दे दी है। और साथ में एक और बात बताऊं आपको, जो नई डेवलपमेंट, जो हिजबुल्लाह का लीडर हसन नसरुल्ला, उसके लास्ट रिचुअल्स को अनाउंस किया गया है। मुझे ये खबर भी मिली, ये कहा जा रहा है कि हसन नसरुल्ला को दफन किया जाएगा कर्बला में, इराक कर्बला में ले जाया जाएगा उनकी बॉडी को, और वहां पर उनका बरियल होगा। ठीक है, चलें, ये तो खबर थी, मैंने आपको बता दिया, आप ये देख लीजिएगा। अभी ये 3 दिन का सोग है और अब ये जब होगा ये सब, तो ये बहुत बड़े लेवल पर वो करेंगे। मैं आपको एक और बात बताऊं, जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा होगा उस वक्त भी इसराइल की तरफ से हमले होंगे, उस वक्त हमले होंगे जिस वक्त ये रिचुअल्स हो रहे होंगे। आप देखिएगा, ये मैं आपको लिख कर दे देती हूँ, उस वक्त तो खास तौर पर इसराइल की तरफ से नेतन्याहू ने उस वक्त हमले किए बगैर नहीं रहना। नरेंद्र मोदी ने, भारत के जो वजीर आजम है, उन्होंने टेलीफोन किया है इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को और उन्होंने ये कहा है कि हमने खित्ते की डेवलप होती सूरत हाल पर डिस्कस किया। क्या डिस्कशन नरेंद्र मोदी कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी ने ये डिस्कशन की होगी कि बहुत अच्छा किया, हसन नसरुल्ला को मारा जाना ठीक है, हसन नसरुल्ला जो है वो ईरान के इस वक्त टॉप के सपोर्टर थे। कहा जाता है कि काफ़ी दुनिया के जो वेस्टर्न मुल्क हैं वो हिजबुल्ला को समझते हैं कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। सो इट मींस कि भारत के अंदर एक हुकूमत जो है वो एक टेसेट सपोर्ट कर रही है या कंप्लीट सपोर्ट कर रही है इसराइल को, और कुछ एनालिस्ट हैं, मीडिया जो है वो कम्प्लीटली इसराइल की साइड ले रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि जो तुम इसराइल इस्लामिस्ट को टारगेट कर रहे हैं, इंडिया कह रहा है कि जो इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स को टारगेट कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर वो घर में भी फैसला करते हैं कि हमें भी कश्मीर के अंदर उन इस्लामिस्ट को अटैक करना है जो भारत की फौज और पुलिस पे हमले करते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस सेंस में। अब है क्या, नरेंद्र मोदी ने यह जिक्र नहीं किया कि आपने हिजबुल्ला के चीफ को मारा तो अच्छा किया। उन्होंने कहा है कि जो दहशतगर्दी कर रहे हैं आप उनको मार रहे हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन याद रखें, इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, और याद रखें हसन नसरुल्ला का मारा जाना, ईरान की कमर टूट गई है इससे। समझ आ रही है आपको बात को? सो इंडिया एक तरफ वेस्ट एशिया के अंदर ईरान के करीब रहना चाहता है बिकॉज उसको पता है एनर्जी सप्लाई लाइन में हमें इसकी बड़ी जरूरत है। इंडिया इन चीज़ों को समझता है, दे नो दिस वेरी वेल। और दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं खींच के रखो। ये जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है ये लार्जली उनकी जो डिस्कशन है वो टेररिज्म के अराउंड है। ठीक है, अब वो नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि जी हम जो होस्टेजेस हैं उनकी रिलीज के लिए बड़ी दुआएं कर रहे हैं और रेस्टोरेशन ऑफ पीस की बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखें, नरेंद्र मोदी जब बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करते हैं तो भारत के अंदर जो दाएं बाजू की फोर्सेज हैं वो उछलती हैं, वो समझती हैं कि ये करना चाहिए हमें। सो ये एक अहम चीज है, इसको आप इस तरह वो इग्नोर नहीं कर सकते।